दुनिया का उसूल है कि जब आबादी बड़ी होती है तो रोड चौड़े होते हैं। ये चीता कैंप पहला ऐसा इलाका है जहाँ रोडों को छोटा किया जा रहा है। किस लिए? अरे भाई वो नाराज़ हो जाएंगे, अरे भाई वो दुकान वाले नाराज़ हो जाएंगे। अरे भाई चार दुकान वाले नाराज़ अगर हो जाते हैं लेकिन अगर पूरे 400,000 लोगों का फ़ायदा होता है तो हम वो देखें या चार दुकानदार को देखें या दुकानदारों से कुछ झोल जा रहा है किसी के। सर इस दफ़ा जो है चीता कैंप के अंदर बीएमसी इलेक्शन होने वाले हैं, बहुत साल से इलेक्शन होते आ रहे हैं सर, बहुत सारे कैंडिडेट्स जीत कर आए, बहुत सारे कैंडिडेट्स ने बहुत सारे अच्छे काम भी किए और कुछ काम नहीं भी किए, तो सर इस दफ़ा भी वापस बीएमसी इलेक्शन आने वाला है, कॉरपोरेशन की तैयारी है, तो इस दफ़ा हम लोग एक ऐसा सर्वे कर रहे हैं सर कि चीता कैंप से इस दफ़ा जो है किंग कौन है, कौन कॉरपोरेटर बन सकता है, कौन बनेगा चीता कैंप का कॉरपोरेटर, आपका ख्याल क्या है? अब किंग का मतलब जेंट्स हो गया आपके हिसाब से। जब से चीता कैंप में लोकल कॉरपोरेटर लोगों ने चुन के आना शुरू किया है, आप ये देख लीजिए चीता कैंप लगातार आहिस्ते आहिस्ते बर्बाद होना शुरू हुआ। रजिया मैडम के बाद रजिया मैडम, नूर मोहम्मद जकरिया, जरीना मैडम, उसके बाद फारूक भाई, उसके बाद उनकी वालदा मोहतरमा, उसके बाद अकबर हुसैन राजू की बीवी खैरुन्निसा, ये लोग चुन के आए। उसके बाद में हमारे शानू भाई चुन के आए, ये आप देख लीजिए 5-7 लोग चुन के आए। उसके बाद क्या काम हुआ? आप जो बोलते हो बहुत काम हुआ था। मुझे एक काम आप, मैं आपसे पूछता हूँ, आप मेरा इंटरव्यू करने आए हैं, मैं आपसे पूछता हूँ कि मुझे आप एक काम बता दीजिए। चीता कैंप को आए हुए 46 साल हो गए, एक मार्केट नहीं बन सकी आज तक, बराबर बोल रहा हूँ जी? चीता कैंप को आए हुए 46 साल हो गए, बच्चों को खेलने के लिए ग्राउंड नहीं है। अब वो ग्राउंड बना है, वो भी अल्लाह ही रहम करे कैसा बनता क्या बनता वो देखिए, वो भी बन रहा है अभी। चीता कैंप को आए हुए 46 साल हो गए, एक प्रॉपर हॉस्पिटल नहीं है। चीता कैंप की आबादी नहीं है और अबाउट 400,000 है। कानून ये कहता है कि हर 1,000 आदमी के ऊपर एक बेड होना चाहिए, तो 400,000 पे 400 बेड होना चाहिए। 400 छोड़ दीजिए, 200 छोड़ दीजिए, 100 छोड़ दीजिए, कितना बेड है आप जाके देख लीजिए हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल का रिपेयर होता है, दो बार रिपेयर हुआ, एक फारूक भाई के ज़माने में, एक शानू भाई के ज़माने में, 2-2 करोड़ के आसपास खर्च हुआ। डॉक्टर मरीजों की जान इमारत से नहीं बचा सकते, मरीजों की जान जो है डॉक्टरों से, दवाओं से और मशीनों से बचा सकते, उनकी खिदमत जो हो सकती है इसके ज़रिए हो सकती है। हमारे जो भी कॉरपोरेटर जो आए, जैसे फारूक भाई ने रिपेयर करवाया, आप उनसे पूछिए जाके कि भाई इसको फुल फ्लेज हॉस्पिटल क्यों नहीं बनाया गया, पूरा ट्रॉम्बे, पूरा पाइलीपाड़ा, अमर नगर, चीता कैंप, मंडाला, महाराष्ट्र नगर, ये सब ये एरिया को कवर करता है, यहाँ हॉस्पिटल की ज़रूरत है क्या नहीं? तो ये काम किसका है? म्यूनसिपल कॉरपोरेटर का। अब आ जाइए, ये नाले, गटर, टॉयलेट, ये काम अगर कॉरपोरेटर नहीं भी बोलेगा ना, ये ऑटोमेटिक नाले का फंड आता है, गटर का फंड आता है, रोड का फंड आता है। अभी आपने देखा होगा गणेश कीर्ति मंडल क्या हशर हो गया। पहले ज़माने में जब वो स्टार्टिंग में चीता कैंप आया, या चीता कैंप आने के 15-20 साल तक 2 ट्रक आजू बाजू से गुजरते थे, आज आप 2 मोटरसाइकिल नहीं गुजार सकते। लोगों ने नालों के ऊपर घर बना लिया, तो भाई आप नाले को छोटा करने के बदले में आपने नाला बड़ा कर दिया। दुनिया का उसूल है कि जब आबादी बड़ी होती है तो रोड चौड़े होते हैं। ये चीता कैंप पहला ऐसा इलाका है जहाँ रोडों को छोटा किया जा रहा है। किस लिए? अरे भाई वो नाराज़ हो जाएंगे, अरे भाई वो दुकान वाले नाराज़ हो जाएंगे। अरे भाई चार दुकान वाले नाराज़ अगर हो जाते हैं लेकिन अगर पूरे 400,000 लोगों का फ़ायदा होता है तो हम वो देखें या चार दुकानदार को देखें या दुकानदारों से कुछ झोल जा रहा है किसी का। आप देख लीजिए कितना बड़ा चौड़ा वो बना दिया गया फुटपाथ, क्या ज़रूरत है? बेचारे धंधे वाले पीछे धंधा करते थे, अब वो फुटपाथ पर चढ़ नहीं सकते, अब वो क्या करते हैं कि रोड के ऊपर धंधा करते हैं। इधर से उन्होंने 15 फुट की दुकान 6 फुट लोगों ने एक्सटेंशन कर लिया, उसके बाद में जो नाला था 2-1.5 फुट का, अब उसको 3.5 फुट का कर दिया गया, कितना हो गया? 21 और 3, ये 24 फुट एक तरफ हो गया। उसके बाद में 2.5 फुट की गाड़ी, अगर दोनों तरफ से इस तरह लगेंगे तो आप चल के दिखा दीजिए मुझे, क्या ये कॉरपोरेटर लोगों का काम नहीं है? कोई भी कॉरपोरेटर हो, मुझे किसी से पर्सनल किसी से कोई दुश्मनी नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हम भी चाहते हैं कि हमारे लोकल जीते, कोई भी जीते, क्या प्रॉब्लम है? लेकिन कम से कम अपना दिमाग तो लगाइए कि भाई क्या हो रहा है चीता कैंप में। सिर्फ चीता कैंप में एक कॉरपोरेटर ऐसा था, कॉरपोरेटर नहीं था, एक लेडीज़ कॉरपोरेटर थी जिसके ज़माने में रिश्वत नहीं ली गई, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता हूँ, उसके ज़माने में रिश्वत वगैरह नहीं होती थी।
क्योंकि उनको रिश्वत की ज़रूरत नहीं थी, वो बराबर से खड़े रहकर काम करते थे। उसके बाद में आप देखिए ना क्या हो रहा है। आप जब प्लानिंग करते तो कम से कम किसी समझदार आदमी को बुलाइए ना, उनसे पूछिए, या तो आप खुद घूमिए चीता कैंप में, ज़रूरत क्या है, किस चीज़ की ज़रूरत है। लेकिन हर आदमी अपने अपनी मर्जी से काम कर रहा है, सिर्फ इसने कि सिर्फ मतलब मेरा मैं अपना मैंपन दिखाऊं। अरे भाई आप तो कारपोरेटर, आपको अल्लाह ने बना दिया कारपोरेटर। हम लोग 30-40 साल से काम कर रहे हैं, लेकिन कारपोरेटर हमको नहीं बनाया अल्लाह ने। अल्लाह आपसे राज़ी इसलिए आपको बना दिया, लेकिन आपकी जिम्मेदारी है 4 लाख लोगों की कि उनको किस तरह बेहतरीन सहूलियात पहुँचाई जाए। आप देख लीजिए रोड पर नाला बह रहा है बारिश में, बेचारे गाड़ी वाले गिर जाते हैं, बूढ़े लोग चल नहीं सकते, हमारी माएँ बहनें रोड पर शाम के टाइम पर चल नहीं सकती, इतना रश है, डबल डबल ट्रिपल ट्रिपल पार्किंग, क्या हाल है। आप रोड पे देख लीजिए वो खिचड़े वाले की दुकान के सामने क्या बड़े बड़े गड्ढे हो गए। कौन जिम्मेदार है इसका? हम लोगों का कोई एहतराम ही नहीं है। अब आइए आपके दूसरी बात पे कि यहाँ के भाई बड़े बड़े धुरंधर, आपने क्या सवाल किया था सर? बड़े सारे लोग इस दफा मैदान में उतरने वाले किंग लोग, कुछ लफ्ज इस्तेमाल किया था आपने, कौन बनेगा चीता कैंप का किंग? अच्छा, किंग का मतलब जेंट्स ही होगा ना। आपकी तल्ला के लिए अर्ज है कि ये सीट लेडीज़ है मेरे भाई, यहाँ किंग नहीं क्वीन आएगी, यहाँ किंग कैसे आ सकता है? ये गवर्नमेंट ने इधर ऑलरेडी इसको डिक्लेयर किया है लेडीज सीट है, तो किंग कैसे आ सकता है? क्वीन ही आएगी। अब जो हमारी जो बहनें मैदान में हैं, कोई भी हो, जिनसे हमारी बनती हो या ना बनती हो, वो एक अलग मसला है, सब हमारी माएँ बहनें हैं। लेकिन मैं कांग्रेस पार्टी का आदमी हूँ, मैं महाराष्ट्र का जनरल सेक्रेटरी रहा हूँ, बम्बई का जनरल सेक्रेटरी रहा हूँ, तो मैं ज़ाहिरी बात में कांग्रेस की बात करूँगा। आज की तारीख में कांग्रेस का एक ही कैंडिडेट लेडीज़ यहाँ से दिख रहा है, क्या नाम है उनका मोहतरमा का? आलिया। तो भाई मैं तो आलिया का फेवर करूँगा। अब यहाँ तो लोग, अभी मोबाइल पे इलेक्शन हो रहा था अभी कुछ रोज़ पहले, और हमारा एक भाई उसमें मोबाइल पे जीत भी गया, माशाल्लाह मुबारकबाद भी देते हैं, मोबाइल पे जीतते हैं क्या? मोबाइल पे कॉर्पोरेटर बनने की मुबारकबाद भी दे देते हैं हम लोग, क्योंकि भाई उन्होंने मोबाइल पे इलेक्शन किया तो मैं मोबाइल पे मुबारकबाद दूंगा। लेकिन मैंने जब उसको गौर से देखा तो 6 कैंडिडेट हैं उसमें, 6 में से 5 जेंट्स हैं, सिर्फ हमारी एक जरीना बहन जो है वो लेडीज़ है। तो मेरे भाई ये 5 जेंट्स लड़ेंगे कैसे? ये तो लेडीज सीट है, मतलब अगर 5 हट गए तो जरीना जीत गए फिर, तो उसूली तौर पे यही हुआ ना। क्योंकि 5ों जो जेंट्स हैं, चाहे वो शब्बीर भाई हो, राजू भाई हो, फारूक भाई हो, और वो क्या अपने नाम उनका शाहनवाज भाई हो, और अपने महेश्वरी भाई हो, ये तो 5 आदमी तो लेडीज जेंट्स हैं, बची 1 लेडीज़, तो जरीना मैडम का सपोर्ट करना पड़ेगा क्योंकि लेडीज सीट है। ऐसा होगा क्या? आप उनसे जिन्होंने ये करवाया उनसे भी ये सवाल पूछिए, 5 तो कट गए, बच गई सरीना मैडम, अब उसको वोट दे दो, जीता था उसको। भाई मेरे नज़र में, मैं पार्टी की वजह से बता रहा हूँ कि आलिया क्लेमेंट है, इधर की क्लेम है उसका, तो फिलहाल तो भाई अब लेडीज सीट है तो उसको मिलना चाहिए सीट, या उसको मिले, उसको अगर ना मिले, किसी को भी कांग्रेस पार्टी वोट देती है, सीट देती है, तो हम उसका दिलो जान से काम करेंगे। हम उन लोगों की तरह नहीं, बहुत से लोग अभी कभी समाजवादी में थे, फिर आप पार्टी में गए, फिर आम पार्टी में गए, फिर खास पार्टी में गए, फिर MIM में गए, अब फिर देखिए यार कहीं कुछ उनको टिकट नहीं मिली तो अब आ गए कांग्रेस में। अब उनको जब कांग्रेस में भी टिकट नहीं मिलेगी ना, मैं पूरी गारंटी के साथ बोलता हूँ फिर वो छोड़ देंगे। कांग्रेस पार्टी जिस किसी को भी टिकट देगी, इंशाल्लाह हम उसका दिल से भरपूर तरीके से काम करेंगे और कोशिश करेंगे चुन के आए। उसकी वजह यह है कि हमने देखा है कि आज़ाद उम्मीदवार आने के बाद बहुत प्रॉब्लम आता है। अभी जैसे शानू भाई थे, शानू भाई का फंड वो लोग दूसरी तरह डाइवर्ट कर देते क्योंकि उनके पीछे कोई पार्टी नहीं खड़ी थी। हम चाहेंगे कि कांग्रेस पार्टी का सीट इधर, कांग्रेस जिसको भी सीट दे, फिलहाल तो आलिया हमारी नज़र में है, अगर किसी और को भी देती है, अगर आलिया को देते हैं तो बहुत अच्छी बात है, या किसी और को भी देती है कांग्रेस पार्टी, तो हम कोशिश करेंगे कि भाई उसका काम करें, उसको चुन को लेके आए, उसको चुन के लेके आए, और कुछ उसके आने के बाद ये होगा कि पार्टी का पीछे बैकिंग होगा और काम बहुत तरीके से होगा। आपने पूछा इसलिए लेडीज़ है, इसलिए मैं बता रहा हूँ जी, बिल्कुल हाँ, वरना पार्टी किसी को भी टिकट दे। आज आलिया मैडम जो हमारी बहन है वो पार्टी की क्लेमेंट है, कांग्रेस पार्टी की, या कांग्रेस समझती है कि नहीं किसी और को देना है तो उसको दे दें, हम उसका काम करेंगे और हम कांग्रेस के ताल्लुक से बात करते हैं, और बाकी कोई भी खड़ा होगा हम किसकी मुखालफत में, नहीं ये तो इलेक्शन है, किसकी मुखालफत क्या, इलेक्शन ख़त्म हो जाएगा, सब भाई बहन है। लेकिन ये है कि आप लोगों की भी जिम्मेदारी है कि जो यहाँ के हालात बिगड़े हैं
लोगों का सांस लेना मुश्किल हो गया, लोगों का चलना मुश्किल हो गया, ना बच्चों की पढ़ाई का मामला है, ना बच्चों के, ना यहाँ के लोगों का हॉस्पिटल का मामला है, रोड का मामला है, गटर का मामला है, कोई पूछने वाला नहीं है मेरे भाई। अब 10x10 में एक मामला चल रहा है MMRDA से शिफ्ट करने का, ये भी जोड़ देता हूँ, आप चाहे तो एडिट कर देना, मौका मिला तो बोल देता हूँ। तो अभी उनको उधर भेज दिया लल्लू भाई में, अब वो लोग खून के आंसू रो रहे हैं, कोई पुरसाने हाल ही नहीं है। लल्ली भाई बोल रहे हैं कि मेरे से बड़ा कोई नहीं है, मैं सब कुछ कर दूंगा। फलां भाई बोल रहे हैं कि मैं सब कुछ कर दूंगा। डिका भाई बोल रहे हैं कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं, कोई किसी की कोई वैल्यू नहीं है भाई। अगर वैल्यू होती तो इस बस्ती का यह हाल नहीं होता। हम लोग अपने घर में, अपने मोहल्ले में बड़ा बनते रहे, यहाँ से बाहर निकलने के बाद हम लोगों की कोई वैल्यू नहीं। आप देख लीजिए चीता के अंदर क्या हमारे MLA साहब हैं, अल्लाह ताला हम दुआ करेंगे कि अल्लाह उनको जल्द से जल्द रिहाई नसीब अता करें। भाई एक MLA साहब थे, फिर उनके बाद हम लोग जाके कुछ काम करा लेते थे, वो भी मामला ख़त्म हो गया। आज अफसरान कोई बात सुनने को तैयार नहीं है। सफाई का मामला देख लीजिए, आप डी सेक्टर की तरफ निकले हैं ना, तो खसूसी तौर पर वो बीचों बीच में जाना और उधर देखना क्या हाल है। रोड ही ब्लॉक है, रात को तो आप गुजर नहीं सकते, बाइक नहीं निकाल सकते सर, इस तरह रोड ब्लॉक है। ये सब कौन देखेगा? जो कॉर्पोरेटर आएगा उसकी जिम्मेदारी है, वो ये डरे नहीं कि भाई ये क्या बोलेंगे वो क्या बोलेंगे। अल्लाह ने आपको एक जिम्मेदारी, कोई भी हो उसका ये फ़र्ज़ बनता है, वरना अल्लाह की यहाँ पकड़ होगी। अल्लाह ताला पूछेंगे कि भाई हमने आपको क्यों बनाया, सबको क्यों नहीं बना दिया। तो उनकी जिम्मेदारी है कि वो इस बस्ती के फलाह बहबूद के लिए सोचे। कोई भी सुन के आ जाए, क्या प्रॉब्लम है? हो सकता है मेरे अख्तलाफात हों किसी से, लेकिन बस्ती के ताल्लुक से अख्तलाफात नहीं हो सकते ना। बस्ती तो हमारी सबकी साझी है, पर्सनल बुराई हो सकती है, लेकिन जब बस्ती का मामला आएगा तो सब साझा मामला है। तो मेरे भाई आप इंटरव्यू लेते हैं लोगों का, हम जैसे बेवकूफ़ लोगों का, आपको ऐसा लगता रहेगा कि हम बहुत बड़े 30 मार खाने, ऐसा कुछ भी नहीं। आप जैसे आप हैं वैसा ही मैं हूँ। यह है कि थोड़ा से पढ़े लिखे हैं तो कुछ काम हम कर लेते, लेकिन अरबाब इक्तदार के सामने, डिपार्टमेंट के सामने कोई किसी की कोई वैल्यू नहीं। आप जाओ कोई काम करा के दिखा दो मेरे को, कोई भी चीता के मुकाबले नहीं होता काम, क्योंकि उनको मालूम है इनके पीछे कोई बैकिंग ही नहीं। ये बस्ती यतीमों की बस्ती है, लावारिस लोगों की बस्ती है, पॉलिटिकली कोई किसको पूछता नहीं। वरना क्या बात है भाई, 46 साल गुजर गए, कोई सुविधा नहीं, कोई फैसिलिटी नहीं। हमारे बच्चों को, हमारे बच्चे इतने बेहतरीन माशाल्लाह पढ़ लिख के दुनिया भर में घूमने, दुनिया भर में अच्छी अच्छी जगह नौकरी करने वाले इतने शानदार बच्चे, उनको कोई फैसिलिटी नहीं। तो ये है मामला। बस ये है कि भाई मैं कांग्रेसी हूँ, कांग्रेस की तरफ से बात करूँगा। कांग्रेस जिसको भी टिकट देगी, फिलहाल लेडीज़ है, कल का अल्लाह जाने। मैं तो कोई आलिमुल गैब तो हूँ नहीं दूसरों की तरह कि भाई नहीं कल का भी मेरे को मालूम है, मेरे को सिर्फ आज का मालूम है। आज ये लेडीज़ सीट है, कांग्रेस किसी को भी सीट देगी उसका हम दिल से काम करेंगे और पूरी कोशिश करेंगे मेहनत करके कि चुन के लाए। शुक्रिया। दुनिया का उसूल है कि जब आबादी बड़ी होती है तो रोड चौड़े होते हैं। ये चीता के हम पहला ऐसा इलाका है जहाँ रोडों को छोटा किया जा रहा है। किस लिए? अरे भाई वो नाराज़ हो जाएंगे, अरे भाई वो दुकान वाले नाराज़ हो जाएंगे। अरे भाई 4 दुकान वाले नाराज़ अगर हो जाते हैं, लेकिन अगर पूरे 4 लाख लोगों का फ़ायदा होता है, तो हम वो देखें या 4 दुकानदार को देखें, या दुकानदारों से कुछ झोल जा रहा किसी के। CEN News, देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN News को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।